गुड़िया मामले के नए तथ्य सामने आने के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री का भी बयान सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ तीन पुलिस अधिकारियों का भी निलंबन वापस ले लिया गया है। गुड़िया केस में नए मोड़ के बाद अब तीन पुलिस अधिकारियों का निलंबन वापस ले लिया गया है, जिनमें आईपीएस जहूर एच जैदी, तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नंगी, मनोज जोशी का निलंबन अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव के आदेश के बाद वापस ले लिया गया। हालांकि आपको बता दें, तीनों अधिकारियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। गुड़िया रेप मर्डर मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस के तीन अधिकारियों के निलंबन को वापस लेने को बताया कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा। मैं उसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनको उनकी जो है वो सस्पेंशन का टर्म जो है वो तीन बार एक्सटेंड हुआ, और ऐसी परिस्थिति में अब जहां जिस परिस्थिति में जो यहाँ इनका इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसेस पहुंचा है, पाया गया कि उसमें जो है वो अब सस्पेंशन को जो है वो रिवोक करना उचित होगा, और इसलिए उसको रिवोक किया गया है। लेकिन उसके बावजूद इस सारी चीज से, उस सारे प्रोसेस में कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि सारे सबूत, सारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बहुत एडवांस स्टेज पर है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि एक वो प्रक्रिया के अंतर्गत जो है, जो एक कानून की एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, उसके अनुरूप ही किया गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार चाहती है कि इस मामले में गुड़िया के साथ न्याय हो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार बनने के पश्चात हमने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरा कोऑपरेशन दिया, और कोऑपरेशन देने के बाद जो है वो चीज़ें एक अंजाम तक पहुंची हैं। और ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि अभी तक मामला जो है वो ट्रायल पे है, और उसके साथ साथ में सारे प्रोसेस प्रक्रिया जो है उसकी, न्याय की जो है वो सारी अपनी इस पे चल रही है, रूटीन में चल रही है, उस पे बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कोई बात हम कहें। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक परिवार के सदस्यों की बात है, उनको कुछ बात कहनी है, उनकी बात सुनी जाएगी, और सुनने के बाद जो है जहाँ आवश्यक होगा उस बात को वहाँ पर जो है कम्युनिकेट भी किया जाएगा। एक के बाद एक नए मोड़ इस जघन्य अपराध की गुत्थी और सुलझाते जा रहे। अब देखना ये होगा कि कब तक दोषी सलाखों के पीछे होंगे। खबरें अभी तक के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।